मुर्तजा पर और शिकंजा कसने की तैयारी में एटीएस, मुर्तजा और उसके परिवार की संपत्ति की जाएगी जांच। लखनऊ में मुर्तजा से दो दिन तक पूछताछ करेगी यूपी एटीएस। 16 अप्रैल को एटीएस लेकर लौटेगी गोरखपुर। 16 अप्रैल को सीजेएम कोर्ट में मुर्तजा अब्बासी के होने है पेशी। आरोपी की संपत्ति का जुटाया जा रहा विवरण। मुर्तजा मामले में दो ट्रैवल एजेंट को पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों से पुलिस कर रही है पूछताछ। अयोध्या पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। हनुमानगढ़ी और रामलला के आज करेंगे दर्शन। दोनों डिप्टी सीएम साथ में है मौजूद। चुनाव के दौरान नखलेश से मिलने वाले अफसरों की लिस्ट तैयार। 30 से ज्यादा अफसरों पर चल सकता है योगी का हंटर। आईजी डीआईजी से लेकर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रशासनिक सर्जरी शुरू। यूपी में एक दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरों के तबादले। यूपी में 10 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए। मुरादाबाद के एसएसपी और रामपुर के एसपी भी बदले गए। बदले गए 3 आईपीएस को नहीं मिली नई तैनाती। लखनऊ में आज सीएम योगी सेक्टर वार्ड लेंगे विभागीय प्रेजेंटेशन। सीएम के सामने बतानी होगी 100 दिनों की कार्य योजना। यूपी में सीएम योगी ने मंत्रियों को अगले 100 दिन खाका तैयार करने का दिया है टारगेट। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा आज होगा सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा कि अगले 5 साल में बीजेपी सरकार 100 साल के बराबर काम करेगी। अपराध भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा। यूपी के शहरों को 60 दिन में चमकाएगी योगी सरकार। आज से शुरू होगा विशेष अभियान। वाराणसी और प्रयागराज की तर्ज पर दूसरे शहरों में भी कराई जाएगी वॉल पेंटिंग। योगी सरकार में एक बार फिर से बढ़ेगी गन्ने की मिठास। चीनी मिल के आधुनिकीकरण के साथ साथ होगा क्षमता विस्तार। गन्ना मूल्य बकाए के भुगतान पर सबसे ज्यादा फोकस। प्रदेश में घर घर दस्तक अभियान आज से शुरू। आशा वर्कर संचारी रोग ग्रस्त मरीजों को चिन्हित करेगी। 30 अप्रैल तक जारी रहेगा अभियान। दिल्ली दौरे पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना ने पीएम मोदी से की शिष्टाचार भेंट। उन्नाव को कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने दिया 3 सड़कों का तोहफा। 100 दिनों के एक दूसरे से कनेक्ट होंगे ब्लॉक मुख्यालय। शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी के लोगों को बधाई, उन्होंने परिवारवाद खत्म किया। जौनपुर में बीएसपी सांसद की बीजेपी से बड़ी नजदीकियां। राम सिंह यादव को बीजेपी नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। छोड़ सकते हाथी का दामन। यूपी के बाराबंकी में एसपी एमएलए का बेतुका बयान। कहा बीजेपी वोट के लिए देश को 58% जनता को मुफ्त में खिला रहे अनाज, इसलिए बढ़ रही महंगाई। लखनऊ में राजभवन में मंत्रिमंडल के साथ उपराष्ट्रपति ने किया डिनर। वेंकैया नायडू ने सीएम योगी और मंत्रियों के साथ कराया ग्रुप फोटोशूट। लाउडस्पीकर से अजान के खिलाफ यूपी में मुहिम। यूपी के कई जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू। यूपी के अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठनों ने लगाए लाउडस्पीकर। लगातार हो रहे हनुमान चालीसा के पाठ, जिला प्रशासन से नहीं ली गई अनुमति। आज अलीगढ़ के किस चौराहों पर लाउडस्पीकर से होगा हनुमान चालीसा का पाठ। कासगंज मथुरा में भी जय हनुमान की गूंज। महाराष्ट्र से यूपी पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। मथुरा में अजान के विरोध में मंदिरों में शुरू हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। मथुरा में हिंदूवादी संगठन ने की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग। नहीं तो सभी मंदिरों में लगवाएंगे लाउडस्पीकर। यूपी के कासगंज में भी अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ। मस्जिद के सामने बजाया गया हनुमान चालीसा। बीजेपी नेता मोहित तकम्बोज का ऐलान, पूरे देश को मंदिरों से मुफ्त में लगवाएंगे लाउडस्पीकर। रोज देवी देवताओं का भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ। अजान और लाउडस्पीकर विवाद पर वाराणसी के संकटमोचन मंदिर के महंत का बयान। कहा कि काशी के लोग इस विवाद में कभी नहीं पड़े। अजान से किसी को भी दिक्कत नहीं। लखनऊ में भाषण के दौरान अजान सुनकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बीच में ही रोकी स्पीच। अजान खत्म होने के बाद ही शुरू किया भाषण। वाराणसी के धर्माचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती ने अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाने का विरोध किया। कहा कि हम अजान के खिलाफ नहीं है बल्कि उससे होने वाले शोर के खिलाफ। फिर सुर्खियों में आए दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जेएनयू कैंपस में लगाए गए भगवा झंडे। हिंदू सेना के पोस्टर में लिखा भगवा जेएनयू। बरेली में पाक का गुणगान करने वाले गाने का गरमाया मुद्दा। स्थानीय लोगों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। झांसी में साध्वी निरंजन ज्योति ने पश्चिम बंगाल के सीएम पर हमला बोला। कहा कि यूपी में 2017 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ।
आगरा में रात के अंधेरे में महापौर नवीन जैन का निरीक्षण, पेड़ के ट्री गार्ड उखाड़ने वाले को महापौर ने पकड़ा। मेरठ में गौवंश की तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाला माफिया गिरफ्तार, माफियाओं ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। नोएडा में हेराफेरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, धोखाधड़ी कर 75 लाख की हेराफेरी की गई थी और डीमैट अकाउंट में मौजूद 25 लाख रुपए सीज। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी, सीतापुर में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बहराइच में करोड़ की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, आरोपी तस्करों के पास से 100 ग्राम स्मैक की खेप बरामद। सीबीआई ने रोहतास के निदेशक परेश रस्तोगी समेत 7 अभियुक्तों के खिलाफ लगभग 16,87,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया, जांच शुरू। हरदोई के विकास खंड कछौना का जूनियर हाई स्कूल कटियामो में एक भी अध्यापक नहीं तैनात, काफी समय से स्कूल बंद चल रहा है। लखनऊ की 19 साल की मुमताज खान पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही, भारतीय जूनियर हॉकी में अपना नाम दर्ज कराया। नोएडा में एक गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सेक्टर 65 की फैक्ट्री में आग लगी, भारी नुकसान की आशंका। वाराणसी के साड़ी कारखाने में भीषण आग, 4 लोगों की दर्दनाक मौत, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। जौनपुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, भीमारनी के लोगों ने खड़ी फसल में लगाई आग, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कुशीनगर में आग लगने से 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक, ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पाया। अमेठी में अज्ञात कारणों से खेत में लगी भीषण आग से सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख, ग्रामीणों की सूचना पर नहीं पहुंचा दमकल विभाग। मेरठ में पीवीएस मॉल के बेसमेंट में लगी भीषण आग, दमकल की तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद, थाना मेडिकल क्षेत्र का मामला। लखनऊ में साइबर हाइक बिल्डिंग के पास सूखे पेड़ में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी, थाना विभूति खंड के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने का मामला। फतेहपुर के रामलीला मैदान में हुई नमक व्यापारी की हत्या का खुलासा, बेटी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या। फतेहपुर में अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। कानपुर में गाय गहरे नाले में जा गिरी, स्थानीय लोगों ने गाय को नाले से बाहर निकाला। एटा में पुरानी रंजिश के चलते 58 वर्षीय व्यक्ति की दबंगों ने गोली मारकर हत्या की, पुलिस जांच में जुटी। जौनपुर में ट्रैक्टर और इनोवा गाड़ी में हुई जबरदस्त टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल, कार सवार लोग सुरक्षित। प्रतापगढ़ में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी नहीं बंद हो रहे हर्ष पारिंग, तिलक समारोह में हर्ष पारिंग के दौरान कैमरामैन को लगी गोली। हरदोई में रफ्तार का कहर, बैरंग भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा, हादसे में घर के बाहर खेल रही बच्ची की मौत। मेरठ में एटीएम से पैसा लेने गए युवक की मौत, करंट लगने की वजह से हुई मौत, परिजनों ने एटीएम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बाराबंकी में ट्रेन के आगे कूदकर देवर भाभी ने आत्महत्या की, प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने साथ में खुदकुशी की। लखनऊ पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश, आरोपी ने पुलिस ने वैन से लगाई छलांग, आरोपी हुआ घायल, ट्रॉमा सेंटर रखा। मथुरा में आजाद हिंद फौज के 125वें स्थापना दिवस पर सभा का आयोजन, श्री माधव गोस्वामी फौड़िया मठ के सभागार में सुभाष चंद्र बोस को याद किया। नौरे के सदरपुर में नाले में गिरी गाड़ी, शराब के नशे में था कार चालक, कार चालक को कार से निकाला गया बाहर। मैनपुरी की किहार कॉलोनी में पुलिस की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी, मौके से 2,000 लीटर लखन पुलिस ने बरामद किया। चित्रकूट पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, गाड़ी से करीब 1 करोड़ का गांजा बरामद। बागपत पुलिस ज्वेलर्स के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है, कब्जे में सोने चांदी के जेवरात थे। अमेठी में 2 दिन पूर्व हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे युवक की हत्या का मामला, हत्या करने वाले 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। चंदौली में चकिया वन रेंज के सिपाही बीट से वन विभाग की टीम का छापा, मारुति वैन से 14 बोटा सागौन की बेशकीमती लकड़ी बरामद। फिरोजाबाद में हाईवे किनारे बने होटल पर प्रशासन की छापेमारी, कार्रवाई के दौरान कमरों से युवक और युवतियां बरामद, होटल को प्रशासन ने सील किया। फिल्म की शूटिंग के लिए कानपुर पहुंचे वरुण धवन, कानपुर में फिल्म बवाल की शूटिंग के लिए सेट लगाया गया, सिरसा मऊ क्षेत्र के आनंद बाग में फिल्म की चल रही शूटिंग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी का दौरा, विश्व मेले में करेंगे शिरकत, 22 गांवों की आस्था का प्रतीक है विश्व मेला। दिल्ली के जामिया नगर में रेस्टोरेंट में फटा सिलेंडर, हादसे में एक शख्स की हुई मौत, 5 घायल।
दिल्ली के स्कूलों में कोरोना के दस्तक से हरकत में आई केजरीवाल सरकार, निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के इस्तेमाल का सुझाव, बच्चों और शिक्षकों को मास्क लगाने की हिदायत दी। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर खुदकुशी का मामला, इलाज के दौरान घायल लड़की की हुई मौत, पंजाब की रहने वाली बताई जा रही मुखबिर। आज पीएम मोदी भुज को देंगे एक बड़ा तोहफा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। आर्मी चीफ नरवणे का बयान, बोले कि सेना मजबूत होगी तो शेयर मार्केट की गिरावट भी झेल लेगा देश, बोझ नहीं आर्मी पर निवेश। जम्मू कश्मीर में आज होगी अमरनाथ यात्रा की समीक्षा बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगा जोर, शीर्ष प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी रहेंगे मौजूद। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा आज सीएम को देंगे इस्तीफा, ठेकेदार के आत्महत्या मामले में आया था नाम, लगा है कमीशन खोरी का आरोप। एमपी के खरगोन में रामनवमी के दिन हुए हिंसा का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने, आगजनी और पेट्रोल बम फेंकते दिखाई दिए उपद्रव। दंगाइयों ने बीच सड़क पर खड़े होकर पत्थरबाजी की, ये सीसीटीवी फुटेज भटवाड़ी गौशाला मार गाजीपुरा का बताया जा रहा है। खरगोन हिंसा में घायल शिवम के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, सीएम शिवराज ने प्रशासन को इलाज पर नजर रखने के निर्देश दिए। एमपी के खरगोन में हिंसा के बाद से जारी है कर्फ्यू, संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल के साथ फोर्स तैनात, लगातार हो रही है पेट्रोलिंग। खरगोन में हिंसा मामले में अब तक 121 लोगों की हुई गिरफ्तारी, अफवाह फैलाने वालों पर नजर रख रही पुलिस। रूस यूक्रेन युद्ध का 51वां दिन आज, राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना के हमले लगातार जारी। रूसी सेना के हवाई हमले में कीव का फायर स्टेशन तबाह, यूक्रेन के स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने जारी किया है हमले के बाद का वीडियो। बूचा में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर किया ताबड़तोड़ हमला, जवाबी कार्रवाई में रूसी सेना के कई टैंक तबाह। यूक्रेन के खारकीव में रूसी हमले का नया वीडियो आया सामने, खारकीव में एक के बाद एक जबरदस्त धमाके, अम्यूजमेंट पार्क में भी भारी बमबारी। रूसी हमले के बाद सामने आई बंजर पड़े बरियाका शहर की तस्वीरें। रूसी सेना के ट्रक को रोकने के लिए यूक्रेन ने एक पुल को बम से उड़ाया, धमाके में रूसी सेना का ट्रक तबाह, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीरें। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच में रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया, 24 घंटे में यूक्रेन के 7 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का किया दावा। यूक्रेन के क्रामटोर्स्क में आगजनी, रूसी सेना के एक फैक्ट्री पर किया हमला। श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति गोटबाया के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने लगाए गोटा गो बैक किनारे। दक्षिण अमेरिका के तटीय इलाकों में बाढ़ से तबाही, बाढ़ के बाद पीने के पानी की कमी से जूझ रहे लोग। नाइजीरिया में बड़ा हादसा, नाइजीरिया के सोकोतो में नाव पलटने से 29 लोगों की मौत। आरबीआई आज करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा, नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव की संभावना कम। महिंद्रा की गाड़ियां हुई महंगी, लगभग 63,000 रुपए तक बढ़ गई है कीमत, एल्यूमिनियम के दाम बढ़ने की वजह से बढ़ी कीमत। एक दूजे के हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, मुंबई के पंजाबी रीति रिवाज से शादी हुई। होंडा सिटी की हाइब्रिड कार पेश, कार पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक पर भी चलेगी। रणबीर ने आलिया को गोद में उठाया, घर से बाहर आकर दोनों ने फैंस का किया अभिवादन, शादी में बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने शिरकत की। रणबीर आलिया की शादी में करीना के छोटे बेटे ने लूटी महफिल, करीना के बेटे संग शेयर की खास तस्वीर। हीरोपंती 2 के रिलीज के 15 दिन पहले टाइगर श्रॉफ ने कराया खास फोटो शूट, एक्ट्रेस तारा सुतारिया की आई नजर। फिल्म के चिपचैप्टर 2 की बम्पर ओपनिंग, पहले ही दिन फिल्म की कमाई 150 करोड़ के पार।